हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 5.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैच ऑफ द फॉलोइंग। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शंस और ट्रायंगल्स पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें पूछा है थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या होती है थ्री साइड इक्वल लेंथ की होती है उसे हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल से मैच कर दिया। टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ एनी ट्रायंगल्स हैविंग अ टू साइड इक्वल दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो टू साइड इक्वल लेंथ है इसलिए इसको आइसोस्केलस से मैच कर दिया। थर्ड है ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब अलग अलग डिफरेंट लेंथ की साइड है, जैसे 6 हो गई, 7 हो गई, 8 cm ऐसे हो गई, तो इसको हम लिख लेते हैं स्केलन ट्रायंगल। मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं, अनइक्वल साइड है। थ्री अक्यूट एंगल, मतलब ऐसा एंगल ट्राइंगल जिसके क्या हो एंगल्स जो बनते हैं वो 90 डिग्री से कम बनते हैं, तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। वन राइट एंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वन एंगल जो है वो राइट एंगल बनता है, इसलिए उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल जो होता है वो राइट एंगल से अबव होता है 90 डिग्री का, से उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल से मैच कर दिया। फिर वन राइट एंगल विथ टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो जब एक राइट एंगल है उसकी टू साइड क्या है इक्वल लेंथ की है, एक राइट एंगल बना रहा है उसकी टू साइड इक्वल लेंथ की है, तो उसको आइसोस्केलस राइट एंगल बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेजर मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की वीडियो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन मिलेगा। एंड आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।